फोन करके बोला मेरा कैरेक्टर हुआ है। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। बिहार में अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहा है। इसी बीच बड़ी खबर बिहार के अररिया से सामने आ रही है, जहां अररिया में आज सुबह सुबह दैनिक जागरण के एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आखिर कब तक बिहार में इस तरह से आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया जाता रहेगा और हाथ पर हाथ धरकर बिहार के मुख्यमंत्री केवल बंद एसी में बैठकर इस तस्वीर को देखते रहेंगे। तो बड़ी खबर हम आपको अररिया से बता रहे हैं, जहां आज सुबह दैनिक जागरण के पत्रकार बिमल की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बिमल को आज सुबह उन अपराधियों के द्वारा उनके घर से बुलाया गया, जिसके बाद उनको गोली मारी गई है। और घटना अररिया जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रेम नगर की बताई जा रही है, जहां आज सुबह सुबह पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो बड़ी खबर हम आपको बिहार के अररिया से बता रहे हैं, जहां अररिया जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रेम नगर में दैनिक जागरण के पत्रकार बिमल की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और इस घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आज तक बिहार में कई पत्रकारों की हत्या हो चुकी है, बावजूद भी पत्रकार सुरक्षा कानून बिहार में नहीं बनाया जा रहा है। और एक बार फिर से अपराधियों ने अपने अपराध का परिचय देते हुए बड़ी वारदात को अंजाम दिया है और अररिया में दैनिक जागरण के पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। फिलहाल इस घटना से जुड़ी तमाम अपडेट्स लगातार हम आपको बताते रहेंगे।